फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सिटकॉम है जो मैक्सिमम लोगों ने तो देखा ही होगा और काफ़ी फैन फॉलोइंग भी है इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो। 1994 में स्टार्ट हुआ ये शो, 10 साल के बाद 2004 में ख़त्म हुआ और एक कल्ट बना के चला गया अपना। और आज तक लोग इंडिया में तो कम से कम इसे अभी तक देखते हैं। इंडिया में नेटफ्लिक्स पे ये अभी भी ट्रेंडिंग सेक्शन में रहता है। तो एक सवाल जो कई सालों से चला आ रहा है कि फ्रेंड्स रियूनियन आएगा कि नहीं आएगा, इस सवाल पे काफ़ी ज़्यादा लोग कई सालों से उम्मीद बनाए बैठे हैं। सो चलिए इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि ऐसे वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये बात सच है कि फ्रेंड्स रियूनियन सच में आने वाला है कि नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, फ्रेंड्स रियूनियन कन्फर्म हो गया है HBO के द्वारा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर आएगा तो कब आएगा? तो जल्द ही लीसा कुड्रो ने रॉबिन लो के पॉडकास्ट में इस सवाल का आंसर दिया। उन्होंने कहा कि इस शो की शूटिंग 2020 में स्टार्ट होने वाली थी पर पैंडमिक और लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाई और इस स्प्रिंग में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसी साल इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। और अपनी फीवी बूफे ने यह भी बताया कि उन्होंने इसका प्री शूट भी कर लिया है। तो ये बात तो कंफर्म है कि रियूनियन हो रहा है। नेक्स्ट मेन सवाल ये रहेगा कि कास्ट क्या रहेगी इसकी। तो लीसा कुड्रो ने उसी पॉडकास्ट में ये भी बताया कि कास्ट वही पुरानी वाली ही रहेगी, सभी एक्ट्रेस अपना रोल दोबारा प्ले करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई नई स्क्रिप्ट नहीं होगी इसमें और सभी कास्ट अपने पुराने सीन्स और उस टाइम को याद करेंगे, तो ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है। और अब लास्ट पर मेन सवाल कि ये कब और कहाँ रिलीज़ होगा। तो ये तो हमें पता ही चल गया है कि ये HBO Max के बनने के बाद ये शो वहीं रिलीज़ होगा, पर इंडियन ऑडियंस के लिए कोई जुगाड़ करेंगे HBO वाले? तो मोस्ट लाइकली ये शायद नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो, क्योंकि अभी भी ये नेटफ्लिक्स पर आता है और ये शो 2020 में ही रिलीज़ होगा। तो अभी आपके पास एक साल है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स रियूनियन पे। आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।